देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। इसी हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका और भारतीय सशस्त्र बलों के 11 अन्य अधिकारियों की भी मौत हो गई थी। दिवंगत जनरल बिपिन रावत को उनकी पहली पुण्यतिथि पर आज पूरा देश नमन कर रहा है और देश भर में कार्यक्रम आयोजन कर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी कड़ी में भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय विपिन रावत की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज सभी ने यह संकल्प लिया है कि जनरल विपिन रावत के सपने को सरकार पूरा करेगी। विपिन रावत जी का असमय हम सब के बीच में से जाना, जहां उत्तराखंड राज्य के लिए तो बहुत बड़ी क्षति हुई, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी और उनके बहुत सारे सपने थे, विशेषकर हमारे राज्य उत्तराखंड के लेकर, दूर दराज के क्षेत्रों को लेकर, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, अनेकों प्रकार से वो काम करना चाहते थे। हमारे यहाँ के जो नौजवान सेना में जाना चाहते थे, उन सभी के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई थी और उनके असमय जाने से ज़रूर हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। एक चेन जो बहुत तेज़ी से चल रही थी उसकी गति धीमी हुई, लेकिन आज क्योंकि उनका ये दिवस, आज हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में यहाँ पर हमने सभी ने उनका स्मरण किया है और ये संकल्प भी लिया है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, जो उनके मन में उत्तराखंड को आगे ले जाने के विचार थे, उनको लेकर हम आगे। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी हर वर्ष स्वर्गीय विपिन रावत की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। जनरल विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी में हुआ था। वो पौड़ी जिले के साइना गांव के निवासी थे। उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका भारतीय सेना में सेवा करने का एक लंबा इतिहास रहा है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल जिले के सैंज गांव से थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।